हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग सिस्टम सर्विसेज, जिसमें आज हम सिस्टम डीमन को कंट्रोल करना सीखेंगे यूजिंग सिस्टम सीटीएल। सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, अनेबल करना, डिसेबल करना, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं किसी सर्विस का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस सर्विस नेम, इस कमांड की हेल्प से हम सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सिस्टम सी टी एल स्टेटस टीम व्यूअर डी डॉट सर्विस। हम इसके आउटपुट को समझते हैं। लोडेड में अनेबल है, इसका मतलब ये सर्विस अपने आप स्टार्ट होगा जब सिस्टम ऑन होगा। अगर यह डिसेबल होता तो सर्विस अपने आप स्टार्ट नहीं होता। एक्टिव फील्ड में एक्टिव है, इसका मतलब ये अभी रन कर रहा है। अगर यह इनएक्टिव होता तो ये स्टॉप होता। प्रोसेस, ये फील्ड बता रहा है कि ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, जिस वजह से ये सर्विस रन कर रहा है, और इसका प्रोसेस आईडी ये है। मेन पीआईडी, ये बता रहा है सर्विस का प्रोसेस आईडी। टास्क, ये बता रहा है कि ये सर्विस 17 टास्क यूटिलाइज कर रहा है। मेमोरी, ये बता रहा है सर्विस ने 9.7 MB यूज़ किया है। सीपीयू, ये बता रहा है सर्विस ने 19 सेकेंड यूज़ किया है सीपीयू का स्टार्टिंग में। अब हम समझते हैं सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर स्टॉप करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल स्टॉप नेम। अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल स्टार्ट नेम। ये सारे काम सिर्फ रूट यूज़र ही कर सकता है, कोई और यूज़र नहीं। अब हम समझते हैं सर्विस को डिसेबल या अनेबल कैसे करते हैं। अनेबल मतलब जब हमारा सिस्टम ऑन होगा तब सर्विस ऑटोमेटिकली रन होगा। डिसेबल मतलब सर्विस ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। अगर डिसेबल करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल डिसेबल नेम। अगर अनेबल करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल अनेबल नेम। अब हम समझते हैं सर्विस को रीस्टार्ट और रीलोड कैसे करते हैं। अगर हम किसी सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं तो सर्विस पहले स्टॉप होता है, देन स्टार्ट होता है, और जब सर्विस रीस्टार्ट होता है तो उसका मेन प्रोसेस आईडी चेंज हो जाता है। अगर हम किसी सर्विस को रीलोड करते हैं तो सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा से रीड करता है, अगर कोई चेंज है तो उसे अप्लाई करता है। इससे सर्विस स्टॉप नहीं होता और उसका मेन प्रोसेस आईडी भी चेंज नहीं होता, पर यह एबिलिटी किसी किसी सर्विस के पास ही होता है। अगर रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल रीस्टार्ट नेम। अगर रीलोड करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल रीलोड नेम। अगर आपको लिस्ट करना है कि सर्विस पे कौन कौन सी सर्विस डिपेंड करते हैं तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल स्पेस लिस्ट हाइफन डिपेंडेंसीज स्पेस टीम व्यूअर डी डॉट सर्विस। जितने भी सर्विस या यूनिट इस पर डिपेंड करते हैं वो हमें शो होगा। अब हम समझते हैं कि किसी सर्विस को मास्क या अनमास्क कैसे करते हैं। किसी सर्विस को मास्क इसलिए किया जाता है ताकि उस सर्विस को एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट ना कर पाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर उससे स्टार्ट करेगा तो एरर आएगा। अगर किसी सर्विस को मास्क करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल मास्क नेम। अगर अनमास्क करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल अनमास्क नेम। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप एक बार देख लो, वो इससे रिलेटेड है। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो स्टार्ट है या स्टॉप है, तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल स्टेटस सर्विस नेम, एंटर। यहाँ पे आपको एक्टिव में एक्टिव दिख रहा होगा, इसका मतलब ये सर्विस अभी स्टार्ट है। इसको क्विट करने के लिए क्यू क्लियर कर देता हूँ। अब हम जो होता है सर्विस को स्टॉप करेंगे, सिस्टम सी टी एल स्टॉप सर्विस नेम, एंटर। चेक करने के लिए कि सर्विस स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस कमांड। यहाँ पर जो होता है आपको इनएक्टिव दिख रहा होगा, इसका मतलब ये सर्विस जो होता है स्टॉप हो गया है, क्विट करने के लिए क्यू। अब हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए कमांड है सिस्टम सी टी एल स्टार्ट सर्विस नेम, एंटर। दोबारा से हम चेक करते हैं कि स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, एंटर। यहाँ पर जो होता है एक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये सर्विस स्टार्ट हो गया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम सर्विस को अनेबल और डिसेबल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा सर्विस अनेबल है या डिसेबल है।
चेक करने के लिए स्टेटस कमांड एंटर। यहाँ पे आपको अनेबल दिख रहा होगा, इसका मतलब ये सर्विस अभी अनेबल है। ऐसे में क्विट हो जाता हूँ। अब हम सर्विस को डिसेबल करते हैं, सिस्टम सीटीएल डिसेबल एंड सर्विस नेम एंटर। चेक करते हैं कि डिसेबल वाई नहीं हुआ। यहाँ पे आपको डिसेबल दिख रहा होगा, इसका मतलब डिसेबल हो गया है। ऐसे में क्विट हो जाता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम सर्विस को अनेबल करेंगे। अनेबल करने के लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल अनेबल सर्विस नेम एंटर। अगेन स्टेटस कमांड चेक करने के लिए, यहाँ पर अनेबल आ रहा है, इसका मतलब सर्विस जो होता है अनेबल हो गया है। ऐसे में क्विट हो जाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम सर्विस को रीस्टार्ट और रीलोड करना सीखेंगे। जब हम सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं तो उसका मेन प्रोसेस आईडी चेंज हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले स्टेटस कमांड रन करेंगे सर्विस का मेन प्रोसेस आईडी चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी दिख रहा होगा 14845, इसको मैं क्विट कर देता हूँ। अब हम सर्विस को रीस्टार्ट करना सीखेंगे, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट सर्विस नेम एंटर, दोबारा से स्टेटस कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो प्रोसेस आईडी है वो चेंज हो गया है, वो हो गया 155, पहले था 148। इसको मैं क्विट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर हम किसी सर्विस को रीलोड करते हैं तो उसका मेन प्रोसेस आईडी चेंज नहीं होता। सबसे पहले स्टेटस कमांड, उसका मेन प्रोसेस आईडी चेक करने के लिए। यहाँ पे मैंने दूसरा सर्विस लिया है क्योंकि मेरे सिस्टम में यही एक सर्विस है जिसको मैं रीलोड कर सकता हूँ एंटर। यहाँ पे इसका मेन प्रोसेस आईडी है 1122। ऐसे में क्विट हो जाता हूँ। रीलोड करने के लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल रीलोड सर्विस नेम एंटर। अब स्टेटस चेक करते हैं इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन प्रोसेस आईडी 1122 जो कि चेंज नहीं हुआ है। अगर हम किसी सर्विस को रीलोड करते हैं तो उसका मेन प्रोसेस आईडी चेंज नहीं होता है, बट हम हर किसी सर्विस को रीलोड नहीं कर सकते। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टीम व्यूअर डी डॉट सर्विस को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे जो होता है मुझे एरर आ रहा है, जॉब टाइप रीलोड इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि टीम व्यूअर सर्विस पे कौन कौन सी सर्विसेज डिपेंडेंट है। उसके लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन डिपेंडेंसीज देन सर्विस नेम। यहाँ पे जितने भी आपको सर्विसेज दिख रही हैं, ये सारी सर्विस जो होती है वो टीम व्यूअर सर्विस पे डिपेंडेंट है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्विट क्लियर। अब हम सर्विस को मास्क और अनमास्क करना सीखेंगे। अगर हम किसी सर्विस को मास्क कर देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर उस सर्विस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। मास्क करने के लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल मास्क सर्विस नेम एंटर। ये मास्क हो गया है। अगर मैं इस वाली सर्विस को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है, फेल्ड टू स्टार्ट टीम व्यूअर डी डॉट सर्विस। सर्विस को अनमास्क करने के लिए सिंपल कमांड है सिस्टम सीटीएल अनमास्क टीम व्यूअर डी डॉट सर्विस। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।